हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका प्रशस्त ज्ञान में। आज मैं आपके लिए इस वीडियो में लाया हूँ इंग्लिश के पांच वोकेबलरी वर्ड्स, जो कि हम रोज़ नए शब्द सीखेंगे पांच पांच। ये नई सीरीज़ मैंने शुरू की है, तो आप इस सीरीज़ में बने रहें, अपना सपोर्ट दें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो शुरू करते हैं पाँच इंग्लिश के वोकेबलरी वर्ड्स जो कि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में लगातार पूछे जा रहे हैं, और इंग्लिश के वर्ड्स वैसे भी जानने जरूरी हैं, इससे आपकी वोकैबुलरी बूस्ट होगी। तो देखते हैं, पहला वर्ड है म्यूंडेन। म्यूंडेन का हिंदी मतलब होता है साधारण, नीरस या सांसारिक। इसका इंग्लिश मीनिंग है समथिंग विच लैक्स इंटरेस्ट और एक्साइटमेंट और बी डल, जिसका इंटरेस्ट और एक्साइटमेंट खत्म हो चुका है और जो ज्यादा डल है। सिनोनिम है ऑर्डिनरी और नॉर्मल। एंटोनिम्स है इसका अनयूजुअल, और इसका यूसेज है वी आर ऑल फैमिलियर विद दीज म्यूंडेन एवरीडे ऑब्जेक्ट्स। तो ये एक वर्ड है म्यूंडेन, इसको आप जॉट डाउन कर लीजिए और इसका असेज और अपना यूज करिए। सेकेंड वर्ड है एक्स्ट्रावेगेंट, इसका मतलब होता है असाधारण, गैर मामूली, अत्यधिक और अपव्ययी। हिंदी मीनिंग यह है इसका। इंग्लिश मीनिंग है टू लैक रिस्ट्रेंट इन स्पेंडिंग मनी और यूजिंग रिसोर्सेज, मतलब जो मनी और रिसोर्सेज को खर्च करने में लापरवाही बरतता है, जिसको बोलते हैं अपव्ययी। सिनोनिम है इसके इंडलजेंट, वेस्टफुल, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एक्सेप्शनल, स्क्वांडर। एंटोनिम है इसके यूजुअल, लॉजिकल, केयरफुल, वाइज, ऑर्डिनरी, प्लेन, रीजनेबल। असेज है इसका गिफ्ट्स नीड नॉट बी एक्स्ट्रावेगेंट और पेनफुली एक्सपेंसिव। नेक्स्ट वर्ड है डेलिबरेट। डेलिबरेट का मीन्स होता है विचार करना, राय लेना या सलाहपूर्वक काम करना। इंग्लिश मीनिंग है इसका समथिंग विच इज डन कॉन्शियसली एंड इंटेंशनली। सिनोनिम है इसके इंटेंशनल, केयरफुल, कैलकुलेटेड, और एंटोनिम है इग्नोर, फॉरगेट। इसका यूसेज है टेक अ स्लो डेलिबरेट स्टेप विद योर राइट फुट। नेक्स्ट वर्ड है सिनवी। सिनवी का मतलब है मजबूत और सशक्त होना। इंग्लिश मीनिंग है ट्रेट ऑफ बीइंग लीन एंड मस्कुलर। इसके सिनोनिम देख लेते हैं स्ट्रांग, इम्फैथिटिकल, नर्वी, फर्म, अडामेंट। एंटोनिम है इसका वीक। नेक्स्ट वर्ड है इलेशन। इसका मतलब होता है प्रफुल्लता, प्रसन्नता, गर्व। इंग्लिश में मीनिंग है इसका टू जॉय, अ फीलिंग ऑफ ग्रेट प्लेजर एंड हैप्पीनेस। हैप्पीनेस और प्लेजर की जो ग्रेट फीलिंग होती है, या जॉय मतलब खुश होना। सिनोनिम है इसका जॉय, एक्साइटमेंट, एंथुजियाज्म। एंटोनिम है इसका अपसेट और डिप्रेशन। यूसेज है इसका र्यूमर्स दैट चाइनाज सोवरेन वेल्थ फंड वॉज कीन ऑन द टोक्यो स्टॉक मार्केट प्रोवाइडेड मोमेंट्री इलेशन टू। तो फ्रेंड्स, आज के पांच वोकैबुलरी वर्ड्स ये थे आपके सामने। ये सीरीज जारी रहेगी, बस आपका सपोर्ट चाहिए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए इस चैनल पे। ये जो वर्ड्स हैं ये कंपिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं और डेली यूज में भी ये यूज होते रहते हैं। न्यूज़पेपर द हिंदू, यहाँ में आपको मिल जाएंगे वर्ड्स रेगुलर यूज़ में। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ गिव सपोर्ट। थैंक यू।